हुआ है, हम आपको बताना चाहेंगे। दो मिनट में, नए नए लोग हैं। 2003 में ये बिजनेस मुझे मिला। 2003 में हमारा कार्यकाल था सुबह से शाम तक ट्यूशन पढ़ाना, लगन आ जाए तो जनरल बजा बजाना। उसके बाद जब ट्यूशन के बाद लगन दिन में समय बचता था तो केशवपुर मुसरी है वहां पर साइकिल का पंचर बनाना, किराना दुकान चक्की होलर चलाना। मतलब जिंदगी में स्ट्रगल इस तरह कर रहे थे, लगता था पैसा किधर से आएगा पता नहीं, पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए। और सब पैसे के लिए भाग रहे सुबह से शाम तक। वो जो भी बोला बिजी है वो पैसे के लिए बिजी है। सब लोग परेशान है अपने जिंदगी को जीने के लिए, अपनी जरूरत की पूर्ति करने के लिए लगातार जी तोड़ मेहनत करते हैं सुबह से शाम तक कि मेरा जिंदगी कुछ अच्छा बीते। यस, हम भी इसी काम में कर रहे थे, लेकिन यूं टकरा गए, हमारे बीच हमारे कौम के नहीं है, हम हिंदू हैं वो मुसलमान हैं। हिंदू और मुसलमान और पूरा धर्म क्या होता है आरसीएम ने जोड़ के दिखाया है। हमारे गुरुदेव, हम चाहेंगे जोरदार उनके लिए ताली हो जाए एक बार साहब, जिन्होंने हमको सिस्टम दिया, उसका नाम एमडी निजामुद्दीन साहब जो मेहरपुर के थे और एनटीपीसी में हमको मिल गए और उनके माध्यम से हमको आरसीएम बिजनेस का प्लान बताया। क्या बताया बताओ? कपड़ा पहनने से पैसा आता है, इस बिजनेस में जुड़ जाओ। हमके दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ ये है और हमको बेवकूफ बनाने के लिए आ गया क्या? पहले कपड़ा सब तो पहनते हैं साहब, पैसा कहाँ किसी को आता है। 2003 की बात मैं कर रहा हूँ, अक्टूबर महीना सितंबर महीना की बात कर रहा हूँ, अगस्त सितंबर का। और सितंबर महीना में ये बात का क्या गया मेरे साथ, मैंने कहा पागल हो गया है। लेकिन फिर एक मेरे दिमाग में सोच आया कि समझ पता है कपड़ा पहनने से पैसा आता है, आखिर कपड़ा है कौन सा। तो उन्होंने बताया 1500 रुपया में एक किट मिलता है जिसके अंदर में 3 पैंट और 3 शर्ट का कपड़ा मिलता है, इसको लेने से लोगों को पैसा आता है, वो अमीर बन जाता है। घर गए, रात भर नींद नहीं आया। मुझे कौन सा कपड़ा का बात कर रहा है, कपड़ा पहनने से पैसा आता है अमीर बनता है। एक विचार आई मन में, उस समय कहानी याद आया, सुना दो क्या? यस कहानी ये याद आया, एक नदी के किनारा एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर बंदर और बंदरनिया निवास करती है। अचानक आकाशवाणी होती है, जो नर अभी इस नदी में कूद जाएगा वो राजा हो जाएगा और जो मादा कूद जाएगी वो रानी बन जाएगी। बंदरिया बेचारी और ताव देखी और नदी में कूद गई, जैसे कूदती है क्या निकल गई उधर से, रानी बन के निकली। बंदर बेचारा ताक झाक में समय को बर्बाद कर दिया। जब बंदरिया रानी बन गई तो भागने लगी, जाने लगी, तो बंदर बेचारा पूछा उनको कि एक बात बता के जा, तुम इस नदी में क्यों कूदी। बोला जिस समय परमात्मा अल्लाह का आकाशवाणी हुआ था उसमें केवल यही बोला था, जो नर कूदेगा वो राजा हो जाएगा और जो मादा कूदेगी वो रानी हो जाएगी, ये नहीं कहा था कि अगर बंदरनिया है तो कुत्ता बिलाय बन जाएगी। मौका मिला था, मैंने कोई विचार नहीं किया, एक ही बात कहा कि हो सकता है परमात्मा का अल्लाह का 99% बात गलत हो, 1% भी अगर सत्य हुआ तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी और मैं खुद पड़ी साहब। मैंने भी विचार किया कि एमपी यादव, उसमें नाम था मृत्युंजय प्रसाद यादव। बोला मृत्युंजय जी, तू जब तक जिंदा रहेगा तुमको तो कपड़ा पहनना पड़ेगा, अगर निजामुद्दीन के बात में 1% भी सच्चाई हो गई तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी उसी बंदरनिया की तरह। और मैंने गलती कर दिया, 1500 रुपया लगा के कपड़ा पहन लिया और उसका नतीजा है 15 साल के बाद, 16 साल के बाद ये सारा चीज बदल गया। मैंने कुछ नहीं किया, जिंदा रहेगा कपड़ा पहनना है कि नहीं पहनना है, तो क्या फर्क पड़ता है। 13 साल पहले, 14 साल पहले, 2003 के पहले भी कपड़ा पहनते थे, आज का कपड़ा और कल का कपड़ा पहनते थे, मेरे पॉकेट का रुपया जाता था और आज का कपड़ा पहन के जब इसको झाड़ते हैं तो 1 महीना में 1,00,000 रुपया निकलता है साहब। कौन सा कपड़ा अच्छा है? आपके घर में भी सबके पास कपड़ा होगा, इस कपड़ा को हम पहने हैं, सत्य बताइए, इस कपड़ा को छू के आप बता सकते हैं इस कपड़ा का कितना दाम होना चाहिए, कोट और पैंट का। अब आपके सामने है क्या सर? 20,000। आप भी देख लीजिए एक बार, चूके देखिए, एक बार देखिए, समझना है थोड़ा सा, समझिए इस बात को।
देख लिए, अब सब देख लिए, देख लिए कितना होना चाहिए इस कपड़े का दाम, मिनिमम बता दो। ये दर्जी है साहब, ये 20,000 अपने हिसाब से लगा दिया, आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? लगभग आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? 10,000। चलिए धन्यवाद। आपके हिसाब से सर कितना होना चाहिए? 12,000। आपके हिसाब से समझिए, जो भी हो आप 10,000, 12,000, 20,000, और हम इस कपड़े का अगर दाम बता दें आपको अजूबा लगेगा कि बेकूफ आदमी है। इस कपड़ा का दाम है नीचे से ऊपर तक दोनों का दाम है 650 रुपये। कितना है आपको चाहिए? मैं दूंगा 650 का कपड़ा है, इसका बिजनेस वैल्यू 500 रुपया है, 500 का 32% हमको मिलता है, 5×15 180 रुपया बाद हो गया, 180 रुपया बाद कर दीजिए, इस कपड़े का दाम हो गया, यहाँ पर बात कीजिए 8×5=13, 8×7=15, यह हो गया 470 रुपया का ये कपड़ा आपके पास है साहब, और सिलाई दी है 1600 रुपया, और 1600 इस पर जोड़ दीजिए 2070 रुपये का कोट पैंट का कपड़ा है। पूरे हिंदुस्तान घूमता हूँ, करोड़पति के साथ में जाता हूँ, हवाई जहाज में सफर करता हूँ, फिर भी मजे से वो सामने वाला कपड़ा जब देखता है कहता है कि 25,000-30,000 से कम का कपड़ा नहीं है, क्योंकि साल लग जाए, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, एक बबली नहीं आता है, ये कपड़ा का पावर है। और इस 1470 रुपये का कपड़ा पहन के महीना का 1,00,000 रुपया कमाता हूँ, अपनी ज़िंदगी बदल गई है, 3 बच्चे हैं, कभी मेरी सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं गए हैं, इस बार बोर्ड देगा बड़ा वाला बेटा, बेटी 8 क्लास में है, छोटा बेटा 6 क्लास में है, संजोशप और डेवी में पढ़ाता हूँ, ये सारा पावर ये इस कपड़े ने दिया, इस बिजनेस ने दिया, जिसका नाम है RCM बिजनेस साहब।